बीते कुछ वक्त से कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं, जिनके कारण वह कई बार निशाने पर भी आ चुकी हैं। कथित तौर पर अपने आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण ट्विटर पर बैन किए जाने के बाद अब कंगना इंस्टाग्राम पर अपना गुस्सा निकाल रही हैं। कंगना रनौत ने अब इसराइल और फलिस्तान के बीच जारी जंग पर रिएक्ट किया है। एक्ट्रेस ने कहा है कि इस जंग में भारत इसराइल के साथ खड़ा है। आइए पहले बात कंगना के ट्विटर अकाउंट के सस्पेंड होने पर करते हैं। कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट 4 मई मंगलवार को सस्पेंड कर दिया गया था। माना जा रहा है कि बंगाल चुनाव परिणाम के बाद अब बैनर्जी पर की गई टिप्पणी के बाद कंगना के ट्विटर अकाउंट पर ताला लगा दिया गया है। कंगना ने ट्वीट कर ममता बैनर्जी के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद से ही यूजर्स कंगना को बुरा भला कह रहे थे। अब ऑफिशियल तौर पर कंगना का ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया है। कंगना ने अपने ट्विटर पर बंगाल चुनाव को लेकर लिखा था, दिस इज हॉरिबल, वी नीड सुपर गुंडाई टू किल गुंडाई, शी इज लाइक अनलीश्ड मॉन्स्टर, टू टेम हर मोदी जी प्लीज शो योर विराट रूप फ्रॉम अर्ली 2000s, #, प्रेजिडेंट रूल इन बंगाल। इस ट्वीट से माना जा रहा था कि कंगना दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है, और इस ट्वीट के बाद कंगना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। इस मुद्दे पर अधिक जानकारी यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपने वीडियो के जरिए दी है। पिछले कई सालों से कंगना रनौत हमेशा ही कंट्रोवर्सीज में रही हैं। हर हफ्ते वो कुछ ना कुछ ऐसा लिखती हैं जो या तो कंट्रोवर्शियल होता है या नफरत फैलाता है लोगों के बीच में, या फिर सिंपली स्टूपिड होता है। अभी पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर लोगों को मेडिकल ऑक्सीजन की कमी है तो लोगों को जाकर पेड़ उगाने चाहिए जिससे ऑक्सीजन आ जाए। मतलब क्या लॉजिक है यहाँ पर। कभी वो फार्मर्स को टेररिस्ट से कंपेयर करती थी, तो कभी मेंटल इलनेस या डिप्रेशन का मजाक बनाती थी। मतलब इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी कि 3 घंटे की एक पूरी पिक्चर बन जाएगी इस पर। लेकिन स्टूपिड और कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देना अकाउंट सस्पेंड करने के पीछे रीजन नहीं हो सकता, और होना भी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब देश में नफरत फैलाई जाती है, लोगों को भड़काया जाता है वायलेंस करने के लिए। कंगना रनौत का जो प्रॉब्लमैटिक ट्वीट था जिसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया, वो ये था, वी नीड सुपर गुंडाई टू किल गुंडाई, मोदी जी प्लीज शो योर विराट रूप फ्रॉम अर्ली 2000। किसकी बात कर रही हैं यहाँ पर? ये ना सिर्फ नफरत फैला रही हैं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री को डिफेम भी कर रही हैं और फेक न्यूज भी फैला रही हैं। ट्विटर के इस एक्शन के बाद कई बॉलीवुड स्टार्स की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया और लिखा, प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी दिस, कुडोस टू यू @ अनंत भूषण एंड रिमझिम दादू फॉर कॉलिंग आउट हेट स्पीच एंड इंसाइटमेंट टू जेनोसाइड इन अ डायरेक्ट मैनर, स्टैंड टॉल यू गाइज। विदिता बैग ने लिखा, लगे हाथ #, कंगना रनौत का इंस्टाग्राम भी सस्पेंड करवा दो, मैम प्लीज डंप योर पूप ऑन कू ऐप। इसके अलावा कंगना रनौत ने एक वीडियो मैसेज भी जारी किया जिसमें बंगाल हिंसा को देखकर वह रोती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, हम सब देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं, वीडियोज आ रहे हैं और फोटोज आ रहे हैं। ओपनली लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और घरों को जलाया जा रहा है, और कोई भी लिबरल कुछ नहीं कह रहा है, ना बीबीसी वर्ल्ड, टेलीग्राफ, टाइम, गार्डियन, कोई इंटरनेशनल पेपर और कोई प्लेटफॉर्म उसे कवर नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। मेरी समझ से बाहर, क्या क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ? या हिंदू खून इतना सस्ता है, या कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हम शिकार हो रहे हैं? बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल है जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं। और मैं अपनी सरकार, जिनकी मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, आज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जो वहाँ पे खून की नदियाँ बह रही है, तो आप लोग धरना करना चाहते हैं, इसकी कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? देशद्रोही ये देश चलाएंगे क्या? मुझे पता है वो बहुत शोर करते हैं, इंटरनेशनल दबाव, मुझे पता है हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अब ट्विटर के बाद कंगना इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रही हैं और वहां भी आपत्तिजनक और नफरत फैलाने वाली बातें करती नजर आ रही हैं। कंगना ने कोरोना पॉजिटिव होने की न्यूज भी अपने इंस्टाग्राम के जरिए ही दी थी। इसराइल और फलिस्तान के बीच जारी जंग पर कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में भारत इसराइल के साथ खड़ा है। कंगना ने आगे लिखा, अपने देश और लोगों को इस कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद से बचाना हर राष्ट्र का मौलिक अधिकार है, और इसमें भारत इसराइल के साथ खड़ा है। जो लोग ये सोचते हैं कि आतंकवाद को धरना और कड़ी निंदा के जरिए जवाब देना चाहिए, उन्हें इसराइल से सीखना चाहिए। कंगना के इस बयान के बाद लोगों ने एक्ट्रेस को ट्रोल करना शुरू किया। कुछ यूजर्स ने तो अब कंगना के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी सस्पेंड किए जाने की मांग कर दी है। दरअसल
यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद में फलिस्तानियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच सोमवार को झड़प हुई थी, जिसमें कुछ फलिस्तानियों के साथ साथ बच्चे और सैकड़े लोग भी मारे गए थे। इसके जवाब में हमास के चरमपंथी गुटों ने यरूशलेम पर रॉकेट से हमला कर दिया। खैर, कंगना ने किसान आंदोलन के खिलाफ भी ट्विटर पर काफी ट्वीट किए थे। इसके अलावा आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर वे ट्वीट करती रहती हैं और कभी कभी तो कंगना के ट्वीट नफरत भरे भाषा से भरे भी रहते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि कंगना देश की जनता की परेशानी को लेकर भी पोस्ट डालेंगी और जनता के मदद के लिए आगे भी आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।